हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक ये हो गई थी कि जो इनके आंसर है ना दोनों के, इसके प्लेस वैल्यू में दे गए हैं और इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या था? जो मैंने वो चार्ट बनाया था उसी के नीचे लिखना था। कैसे लिखना था? जैसे मान लो मिलियन तक है, सबसे पहले क्या था? 1.5 मिलियन। उसके बाद क्या था? 10 मिलियन। उसके बाद मिलियन, उसके बाद 100,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 1,000, उसके बाद 100, उसके बाद 10, उसके बाद 1। इस प्लेस में ऐसे लिखना था। अगर चाहो तो इसको ऐसे कर लो, आपको और आसानी हो। क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन जो था, पहले क्वेश्चन में क्या था? 800 मिलियन। 800 मिलियन हमारा यहाँ आएगा। उसके बाद लिखा था 73 यहाँ आएगा। क्लियर? उसके बाद क्या? 800, 800 यहाँ। क्लियर बच्चे? वो सभी जगह जीरो लगा देंगे। पहले का जो आंसर हो जाएगा, पहले का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 8738 00। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है? 62 मिलियन। टू मिलियन 883,000। 83,000 53,500। ठीक है, बची हुई ये रहेगा। तो दूसरे का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 62083 5। सी का आंसर ये हो जाएगा। सी का देख लेते हैं, 100 मिलियन, यानी 200 मिलियन हो गया। उसके बाद 334, यानी कि 350 बचे हुए प्लेस। सी का क्या हो जाएगा? 2 0 0। ठीक है, ये था। इस चार्ट में आपको लिख देना है ऐसे, ये चार्ट हमारा बन गया, चार्ट और ये नीचे आंसर, यही करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया था। ठीक है, मैं आपको यही डायरेक्ट करा दिया था, चार्ट नहीं बना आपको, बस ये मतलब लास्ट में ये चार्ट और बना लिया। इसमें क्या करना, आपको ये आंसर लिखने हैं और फिर उन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म भी हो जाएगा, तो इरेज करता हूँ फिर आपको ये था नहीं, तो इस वजह से आंसर है बुकों में अपने हिसाब से आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आगे 6 करोड़, तो 6 करोड़ पहले के बना लेते हैं। 1 3 6 करोड़, 6 करोड़, 15 लाख लाख। ठीक है, 20। ठीक है, बचे हुए प्लेस पे 0। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। अब इसे क्या करना था? इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था। क्या करना था? एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था। 1, कितने जीरो आ जाएंगे? 3 डिजिट, 1 3 5, फिर 1 1 3 4 5 6, 1 2 3 4। उसका सीधा ये ना इसका ना इसका ना इसका किसी का 20 प्लस, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अब बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 16 करोड़, 1 2, बोला 16 करोड़। ठीक है, उसके बाद बोला है 48 48 सॉरी 48 लाख। 1000 में कुछ नहीं कहा, सीधा क्या है? 83।
हो जाएगा हमारा 1648303। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 1 80 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे। हेलो, तो बच्चों इसी हिसाब से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे हम एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, 80 लगाएंगे 1 5 6 7 8, उसके बाद 6 में 7 1 2 5 6, फिर 4 में 60 1 2 3 5 6, फिर 8 में 50 1 2 5, फिर इनका कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लेंगे 8 प्लस 3, हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे सी का करेंगे, सी में क्या लिखा 94 लाख, यानी कि 1 2, आपकी गलती है, 9 क्या लिखा 94 लाख 52,000, क्या बोला 52,000 प्लस 0। अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे ना, ये देखो इससे पहले नंबर को लिख ले, जैसे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 5 6, 1 2 3 5, 1 2 2, 1 2 3, उसके बाद कोई जीरो नहीं, तो इस जीरो को लिखा नहीं जाता, तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो दो क्वेश्चन को आपको इस हिसाब से करना होगा, ठीक है। अगर वो भी कर लिए ना तो टीचर समझदार होगा तो आंसर दे देंगे, बस बताना था, मैंने बता दिया। चलते हैं, माइंड में ये रहता ना क्वेश्चन ये लिखा है तो आपको ये करना है, तो बुकों में सब में अलग अलग हिसाब से चेंज कर देते। अगर कहीं ये लिखा ना तो हमें बता दो कि नंबर नंबर ही लिखना होगा, ये लिखा तो नंबर लिखना था, थोड़ा सा यहाँ पे देख नहीं पाया तो इस वजह से मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, तो उस हिसाब से मैंने पहले के हिसाब से करा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको आ जाएगा ऐसी कोई। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, ये नंबर लिखा पोस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, राइट द नंबर नेम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, नंबर नेम लिखना है इनका, ठीक है। 7 का बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 5 5 0, ठीक है, यही था लिखना है, 1 1 1000, क्लियर, उसके बाद 50, ये आंसर था, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा, नंबर हम 8 को देखते हैं क्या करना है। अब आंसर मैं देख लेता हूँ क्या किस हिसाब से आंसर पूछा गया है, उसी हिसाब से हम सॉल्यूशन कराना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं इनको क्या लगाना है, इन्हें अरेंज करना है, कितना अरेंज करना है हमें, क्वेश्चन 8 के हिसाब से अरेंज द सेपरेशन ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर, करना असेंडिंग ऑर्डर लिखना। सबसे सबसे छोटा बेटा कौन सा हमारा, 42,000, सबसे पहले क्या है 42,268, कौन सा आएगा हमारा 47,000,
बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा, 49,600। उसके बाद कौन सा आएगा, 42 के दो हैं तो 42 का ये आएगा 42,491। फिर आएगा 42,980 ब्लैक सीरीज। तो ये हमारा जो सेपरेशन है वो कैसे ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग पहले का आंसर हो गया, यानी कि ये पहले का आंसर। दूसरे का आंसर क्या है, अब दूसरे का फाइंड द आल्सो ईयर द फीफा वर्ल्ड, इसमें क्या हो, ग्रेटेस्ट सेपरेशन और स्मॉलेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट कौन से दिन था, ग्रेटेस्ट टेस्ट ग्रेटेस्ट इन, ग्रेटेस्ट कौन सी है, ग्रेटेस्ट कौन सी ईयर में था बेटा, सबसे ग्रेटेस्ट ये वाला था, कौन सा था, ये वाला था 52,918। स्मॉलेस्ट कौन सा था, इन स्मॉलेस्ट ये था 2002 का 42,168। यही पूछा गया, ये पूछा गया था कि सबसे लार्जेस्ट फीफा वर्ल्ड कप ये था हमारा 2003 में, स्मॉलेस्ट 2002, ये दूसरे का आंसर। कोई टफ होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते बेटा, रेस कर दे। इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, कंपेयर करना है, नंबर कंपेयर करना बहुत ईजी है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। देखो कॉमा लगा लेंगे, ये कॉमा और ये के कॉमा, कह रहा है 9 लाख, ठीक है, इसमें इसमें भी कॉमा लगा लेते हैं और से देखेंगे 9,40,000 है, 9,41,000, हमारा ये वाला बड़ा हो जाएगा। आगे इसमें भी कॉमा लगा लेते हैं, कॉमा लगा लिया, आपको कौन सा बड़ा दिख रहा नंबर, अर्थ करिए, तो ये वाला हमारा नंबर कौन सा है, हमारा 80। आगे इसमें कॉमा लगाएं तो ये डिजिट ज्यादा दिख रही ना, ये ऑटोमेटिक बड़ा हो, जिसमें डिजिट ज्यादा होती है वो। अब इसमें देखो ये 1 मिलियन, 1 मिलियन कितनी जीरो होते, 6 होते, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारा इक्वल, ठीक है। आगे बात कोई टफ तो होगा नहीं, ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें आपको क्लियर दिख रहा ना, दिखना चाहिए वैसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, बिल्ड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, अगर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, 7 डिजिट नंबर यूजिंग दिस, क्या बनाना हमारा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बना, तो इसका पहले का आंसर देखें। आंसर गिवन में क्या दिया गया है, 1578096, तो डिजिट ले लेते हैं, 1 दिया गया, 5 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 0 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है, डिजिट दिए, ठीक है। क्या बनाना, लार्जेस्ट बनाना और स्मॉलेस्ट बनाना, क्लियर, आप समझ में आ गई। लार्जेस्ट 7 डिजिट का नंबर बनाना, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले बेटा क्या आएगा, 9 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा,
उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, बाद 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। ये लार्जेस्ट बन गया, स्मॉलेस्ट बनाना। 1 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9, ये स्मॉलेस्ट बनेगा। तो नंबर लिखेंगे 9 8 7 6 5 1 0, स्मॉलेस्ट लिखेंगे 1 0 5 6 7 7 8 9। ठीक है, क्लियर। दूसरे का दूसरा क्या देखेंगे, 8 digit using any digit। कह रहा है कौन सी भी डिजिट यूज करो, हमें क्या बनाया, लार्जेस्ट नंबर। तो पता है हम क्या यूज कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। 1 लार्जेस्ट बनाना है, कोई सी डिजिट मैंने बोल लिया 0 से लेकर 9 तक यूज करेंगे, लार्जेस्ट बनाना है। लार्जेस्ट बनाना है 8 digit का नंबर, देखो 9 8 7। और आंसर देख लेते किस डिजिट का यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर बता। तो मैं समझ गया, कुछ भी यूज कर। देखो 0 से 9 तक अगर यूज करेंगे तो सबसे पहले हमारे क्या आएगी, 9 digit आएगी, उसके बाद 8 आएगी, उसके बाद 7 आएगी, उसके बाद 6 आएगी, उसके बाद 5 आएगी, उसके बाद 2 आएगी, उसके बाद आएगा। ठीक है, देखो 8 digit का हो गया, 1 और आएगा। स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्या हो जाएगा, 7। बी का देखो आंसर, 6 digit का नंबर बनाना है यूजिंग दिस डिजिट। क्या रिपीट भी हो तो डिजिट दी गई, क्या दिया गया, 7 0 9 and 5। लार्जेस्ट बनाना है, क्या बनाना है, 6 digit बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, हम डिजिट को यहाँ का देखो, डिजिट हमें कितना दी गई है, 4 digit दी गई ना, 8 digit का नंबर, तो डिजिट क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती है, तो रिपीट करेंगे 1 2 3। एक बार और क्या आएगा, 7 आ जाएगा, 5 आएगा, 0, 3 digit का बन गया। अब इसको 5 करेंगे करेंगे, ठीक है, और एक 0 और करेंगे, उसके बाद 7 करेंगे, उसके बाद 4 6 वाला। 7 digit का नंबर बनाना है और डिजिट हमारे क्या दी गई, ओनली 3 दिया है, 0 दिया, 3 दिया और 2 दिया, बना लेंगे डिजिट का, बना 7 digit का। क्या करना है, लार्जेस्ट बनाना है, 3 को कितने बार यूज करना पड़ेगा, 5 हो गई और 2 आएगा और 0 आएगा, ये लार्जेस्ट बन जाएगा। फर्स्ट बनाना होगा 1 2 3, ठीक है, और हम ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 7, ठीक है, क्लियर। तो एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ, ये डिजिट दी गई है, जितने डिजिट दी नई नंबर बनाना, ठीक है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 दी है तो 7 digit का नंबर बनाना, 7 digit दी गई, 7 digit का नंबर बनाना। तो यहाँ पे डिजिट दी नहीं गई, मतलब डिजिट अपनी कोई सी भी यूज कर, तो यहाँ से 0 1 2 3
5, 7, 8 कितने डिजिट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वाली डिजिट कर लेते हैं। कितने डिजिट का बनाना था, 8 डिजिट का बनाना था। 1, 2, 3, 5 ये नंबर थोड़ा सही कर लो, 9, 8, 7, 5, 3 ये नंबर होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 1, 1, 3, 5 ये सही है, ये सही है, ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या स्मॉलेस्ट बनाना है तो मुझे 1 को भी लेना पड़ेगा, 1 को लिया 1, 0, 2, 3 पर एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है, तो एक में डिजिट दी, जितनी डिजिट दी उतने का नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं तो यहाँ पे 4 डिजिट दिए, 6 डिजिट का नंबर पूछा गया, तो हमें 9 को 3 बार रिपीट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद 750, उसके बाद क्या करना है, यहाँ 7 डिजिट का नंबर पूछा, 3 डिजिट दी गई। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे, आई होप आप आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन द डिजिट ऑफ द नंबर इंटरचेंज, हमें क्या करना है, डिजिट को इंटरचेंज करना है, जो हमें दिया गया उन डिजिट को एक दूसरे के प्लेस में इंटरचेंज करना, ठीक है। एंड फाइंड द न्यू नंबर, आल्सो राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म द न्यू दस फॉर्म, नया नंबर फॉर्म किया है उसको हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, ठीक है। तो आप बेटा ये लिख लिया ना, तो बस लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम इसको इरेज कर देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नंबर 11 का 1, 3, 6, 5, 1, 3, 6, 5, 8, 2 कौन से डिजिट को इंटरचेंज करना है, 2 से 3 को, ठीक है, 2 से 3 को इंटरचेंज करना, ठीक है। करते हैं तो 1, 2 आ जाएगा, 6, 5, 8 यहाँ से दिया जाएगा, ये न्यू नंबर हमारा क्या हो गया, ये न्यू नंबर बन गया, ये नंबर न्यू बन गया इंटरचेंज करके, ठीक है। फाइंड द न्यू नंबर इंटरचेंज करके, आल्सो राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म फ्रॉम द न्यू नंबर, क्या करना है उसका, क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना, जो हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, ठीक है, क्या करना है उसका, एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना। एक्सपेंडेड फॉर्म ईजी था, 1 कितने डिजिट बेटा, 5 है, तो 1, 2 कितने डिजिट पीछे है, 1, 2, 3, 4 2 के पीछे 4 और क्लियर बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसे बी क्वेश्चन को करेंगे, बी क्वेश्चन क्या है, 7, 7, 7 3 का 7 है, 8, 6, 8, 8 किस चीज़ को इंटरचेंज करना बेटा, 7 को 8 से करना, इंटरचेंज करेंगे तो 8 हमारा आगे आ जाएगा, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 6, 8, 8 एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 8, 6, 0, 1, 2, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 3, 1, 0, 8 ऐसे सी को करें, ये क्या कर रहा है, 9 5, 8 चेंज करेंगे तो 3 डिजिट आगे हो जाएगी, 1, 5, 8
एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, 1, 2, 5, 6, इनको नहीं लिखा जाएगा, सीधा 5 का लिखा। क्लियर? पर डी को करेंगे, डी का लिखेंगे 6 पर 8 अकाउंट, 3 और 3, 1, 1। ठीक है, पहले किस किस को चेंज करना, इन दोनों को चेंज करना, तो क्या गया 8 हमारा आ गया 6 पीछे, 1, 1 एक्सपेंड 8 कितने जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। सिक्स है, 5 है, पूरा 3 है, 2 है, ठीक है, ये क्या हो गई मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरचेंज करना, उसके बाद ये जो नंबर लिखा है वो आएगा, उसके बाद हमें एक्सपेंडेड करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। ठीक, अगर कोई भी डाउट बनता है ना, एक बार ऐसे वीडियो को दोबारा देख लेना, सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।